there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं बावदीप और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक इन्फॉर्मेशन में तुम्हारा स्वागत करता हूं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देख के वीडियो देखने आए हो तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज के वीडियो में रिव्यू वाला प्रॉब्लम आपको लाइव प्रूफ सॉल्व करके देने वाला हूँ। एंड ये रिव्यू वाला ऑप्शन हमारे सामने क्यों आता है, कैसे आता है, उसका सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, एंड उससे पहले क्या हम गलती कर देते उसकी वजह से हमारा अकाउंट रिव्यू पे फंस जाता है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो स्किप कर दे तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड आपका अकाउंट भी रिकवर नहीं होगा। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम सीधा वीडियो स्टार्ट कर देते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी ऑल कर लो, ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए मैं सीधा आपको प्रॉब्लम पे लेके चलता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो कि रिव्यू वाला प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी बार बार हो रहा है, या तो एक बार हो जा रहा है तो वो अकाउंट रीओपन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आपके पास क्या ऑप्शन आता है वो मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप को मिस नहीं करूँगा, पूरे स्टेप में आपको बताऊँगा कि आपको अपना अकाउंट कैसे रिकवर करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अकाउंट का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में यही अकाउंट ओपन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। यहाँ पे आप नाम नोटिस एक बार कर लीजिए, MD स्वेब, ये नाम है आईडी का, यही अकाउंट में लास्ट में आपको ओपन करके देने वाला। तो सिंपल से आपको कोई भी ब्राउज़र यहाँ से ओपन कर लेना, या तो आपका क्रोम ब्राउज़र हो, या तो आपका पफिन ब्राउज़र हो, या तो आपका कीवी ब्राउज़र हो, अदरवाइज़ कोई भी ब्राउज़र हो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो मैं सिंपल से यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और उससे पहले आपको अपने ब्राउज़र के डाटा क्लियर कर लेने, उसके बाद रीओपन आपको अपना ब्राउज़र करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, या तो अकाउंट पे मेल लगा है तो मेल भी आप डाल सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पर अपना मेल डाल दीजिए, या तो नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ से कर लीजिए लॉगिन। तो मैं सिंपल से यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिलअप कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नंबर भी फिलअप कर लिया एंड यहाँ पे पासवर्ड भी फिलअप कर लिया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये नंबर नोटिस कर लेना, यही नंबर डाल के मैं वापस अकाउंट को लॉगिन करने वाला हूँ, इसलिए आप ये नंबर नोटिस कर लीजिए। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, अगर आपके अकाउंट पे ट्रू फैक्टर ऑन है तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एंटर लॉगिन कोड, तो सिंपल से आपके मोबाइल पे कोड भेज दिया रहेगा, वो कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उस बंदे के साथ मैंने कॉल पे बात करके मैंने कोड ले लिया है और यहाँ पर फिलअप कर दिया। उसके बाद सिंपल से आपको सबमिट कोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट कोड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेव ब्राउज़र पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और एक बार आप यहाँ पे आईडी का नाम चेक कर सकते हो, एमडी आईडी का नाम है। तो उसके बाद आपको सिंपल से कर लेना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अपलोड योर आईडी। अपलोड योर आईडी में कौन सा प्रूफ एक्सेप्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आधार कार्ड एक्सेप्ट होता है, एक तो पैन कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो सिंपल से मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक फोटो। टेक फोटो मींस अगर आप टेक फोटो पे क्लिक करते हो तो सीधा आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से कैमरा ओपन होगा, तो मेरे पास तो उस बंदे का आधार कार्ड नहीं है। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड लाइव प्रूफ आपके पास है, टेक फोटो पर क्लिक करके आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कैमरे से आधार कार्ड का फोटो यहाँ से फिलअप कर लेना है, उसके बाद आपको कर लेना है कंटिन्यू। तो मैं उस बंदे को कॉल करके उसको बता देता हूँ कि भाई इतना चीज़ कर ले और मेरे को स्क्रीनशॉट दे दे। तो मैं उसको कॉल करके उससे बात करके ये सबमिट करवा के मैं वीडियो फिर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जिस बंदे का अकाउंट है उससे मैंने कॉल पे बात करके उसके पास से मैंने यहाँ पे सबमिट करवा लिया। उसने सिंपल से टेक फोटो पे क्लिक किया तो कैमरा ओपन हो गया। तो उसके बाद लाइव प्रूफ आधार कार्ड था, तो उसने लाइव प्रूफ आधार कार्ड का ही फोटो यहाँ पे लेके फिलअप कर दिया। उसके बाद आप कर देना यहाँ से कंटिन्यू। आप लोग सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो कि अकाउंट का नाम यही है, और यही अकाउंट का नाम से मैं अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो उसने यहाँ से कर दिया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस उसके पास आ गया है, रिव्यू पे अकाउंट चला गया है, आपका अकाउंट अंडर प्रोसेस में चला गया। फेसबुक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा आपका, अगर आपका आधार कार्ड रियल है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ अकाउंट के साथ मैच है, तो आपका अकाउंट 10 से 15 लास्ट 20 मिनट
20 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना अकाउंट रिकवर करके दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने सबमिट कब मारा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1:26 हो गए। अब मेरे पास ईमेल पे रिप्लाई कब आता है वो मैं आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप यहाँ पे एक बार टाइम नोटिस कर लीजिए कि उसने 1:26 PM को सबमिट मारा था। अब जैसे ही मेरे पास मेल आते मैं वीडियो तुरंत वहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। हाँ तो फ्रेंड्स मेरे पास मेल आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम नोटिस कर सकते हो, 1:40 भी नहीं हुआ है। कम से कम 20 मिनट के अंदर ही ये बंदे का अकाउंट रिकवर हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, बाय मिस्टेक डिसेबल, हमारी गलतियों के कारण आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया था, अभी अनलॉक कर दिया है। तो सिंपल से ये मैसेज आ जाने के बाद आपको अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको लाइव प्रूफ अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल से आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड फिलअप कर लेना। आप लोग नंबर नोटिस कर सकते हो कि यही नंबर से मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंट को लॉगिन किया था और यही नंबर से मैं अकाउंट को रीओपन कर रहा हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के बाद अगर आपके अकाउंट में ट्रू फैक्टर लगा हुआ है तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने उस बंदे के साथ कॉल पर बात करके कोड ले लिया और कोड यहाँ पर फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट कोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट कोड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सेव ब्राउज़र कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बंदे का अकाउंट इजीली यहाँ से ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ से प्रोफाइल पे जाके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गई है और उसका अकाउंट भी ओपन हो गया है। आप यहाँ से नाम नोटिस कर सकते हो, MD सोयब मिताली आईडी का नाम है। सेम टू सेम प्रॉब्लम पे भी यही नाम था, आप देख सकते हो, और मैंने अकाउंट ओपन किया वो अकाउंट का नाम भी यही है। अगर आप लोगों का अकाउंट भी रिव्यू पे फंसा है, उसको काफ़ी टाइम हो गया है, रीओपन नहीं हो रहा है, तो सिंपल से आप मेरे तक कॉन्टेक्ट करो। तो मैंने सिंपल से अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फटाख से जाके मुझे वहाँ से फॉलो कर लो एंड एक SMS करो कि भाई हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, मेरा अकाउंट भी रिव्यू पे है। तो सिंपल से मैं आप लोगों का अकाउंट वहां से रिकवर करके दूंगा। तो आपको सिंपल से मुझे एक SMS करके बता देना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी ऑल कर लेना, ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।